नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी के अलावा यूपी पीसीएल ने भी वैकेंसी निकाली हुई है, जिसमें जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर का नोटिस आया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं जूनियर इंजीनियर की आवश्यक क्वालिफिकेशन क्या है और उसके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन 23/9/2019 से स्टार्ट हो गए हैं। 16/10/2019 तक आवेदन चलेंगे। शैक्षिक योग्यता 3 वर्षीय डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में, अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कोई 3 वर्षीय डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देवनागरी लिपि का ज्ञान भी मांगा हुआ है। तो दोस्तों, जो 3 वर्षीय डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ये डिस्टेंस या ओपन यूनिवर्सिटी का जो है नहीं होना चाहिए। ये नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है, ओपन यूनिवर्सिटी का या डिस्टेंस अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वो इसमें नहीं एक्सेप्ट होगा, वो फॉर्म उसका रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसकी जो टोटल पोस्ट हैं जूनियर इंजीनियर की 296 है, 296। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 121 हैं, ईडब्ल्यूएस की 29 और ओबीसी नॉन क्रीम लेयर की 79, एससी 62 और एसटी 05। टोटल 296 पोस्ट हैं और इसमें एज 18 से 40 वर्ष, इसमें एससी एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर तीनों को 5 वर्ष तक की अधिकतम उम्र सीमा में छूट है। एग्ज़ाम फीस जो आवेदन की शुल्क है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 1,000 रुपये, एससी एसटी 700 रुपये और फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 रुपये आवेदन शुल्क है। इसके अलावा दोस्तों, जो सिलेक्शन होना है वो सिलेक्शन एक सीबीटी परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी। ऑनलाइन परीक्षा के आधार पे होगा, एक ही परीक्षा है और कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। इसका जो नोटिस में सिलेबस दिया है, तो जो आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उससे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 मार्क्स के। टोटल 200 क्वेश्चन हैं 200 मार्क्स के और 3 घंटे का समय है। मैं आपको बता दूं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग से 150 क्वेश्चन 150 मिनट के, जीएस और जीए जिसमें करंट अफेयर्स भी है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, हिंदी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। 3 घंटे का दोस्तों समय है, टोटल क्वेश्चन 200 और टोटल मार्क्स 200। इसमें दोस्तों जो शॉर्टलिस्ट बनेगी, कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इस सीबीटी के आधार पर ही। सीबीटी के आधार पर 2 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जो ये परीक्षा है, इस पर नेगेटिव मार्किंग 25 की है, 0.25 की। तो आप लोग जो लोग योग्य हैं, जिन्होंने ये क्वालिफिकेशन ले रखी है, आप आवेदन कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।